प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके 14वें एडिशन की शुरुआत की है। ये एयरो इंडिया शो बेंगलुरु के यलहंका के एफओ स्टेशन पर 5 दिनों तक चलेगा, जिसके पहले ही दिन मेक इन इंडिया की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। इस बार एयरो इंडिया 2023 का फोकस मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के अनुरूप स्वदेशी उपकरणों और टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर हो रहा है। इसे अब तक का सबसे बड़ा एयरो इंडिया शो बताया जा रहा है, जो कि 12 से 15 फरवरी तक बिजनेस तक सीमित रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद 16 से 17 फरवरी तक आम जनता भी यहां कार्यक्रम देख सकती है। देखो, प्रचंड का प्रहार देखो, सूर्य किरण और सुखोई का शौर्य देखो, रोमांच और एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें आई हैं बेंगलुरु से, जहां से यलहंका एयरबेस पर एयरो इंडिया शो के 14वें एडिशन का आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ कि देखने वालों ने दांत तले उंगलियां दबा ली। एशिया के सबसे बड़े एयरो शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद हिंद के इन वायुवीरों ने बेंगलुरु के आसमान में अपने साहस और शौर्य का ऐसा प्रदर्शन किया कि वहां मौजूद हर शख्स इन हवाई करतबों को देखकर रोमांच से भर उठा। इस एयर शो को मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अहम माना जा रहा है। यानी भारत अब डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के बाद हथियारों और उपकरणों का निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए शो की शुरुआत में ही भारत की रक्षा क्षमताओं का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, चाहे हाल ही में वायुसेना में शामिल किया गया प्रचंड हेलीकॉप्टर हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज एज द प्रचंड इज एक्सिटिंग After an enthralling display. यहाँ पर देश में बना फाइटर जेट तेजस हो। 1, 2, 3 and 4. And here it goes again. इनकी रण कौशल क्षमताओं ने कार्यक्रम में आए सभी देसी और विदेशी मेहमानों का ध्यान अपनी ओर खींचा। मेरे पीछे देख सकते हैं तरह तरह के विमान, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहाँ पर खड़े हैं। ये यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि आज से बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2023 का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद इसका आगाज किया, इसका इनॉग्रेशन किया, और इसके इनॉग्रेशन करते वक्त यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों आर्म फोर्सेस के अध्यक्ष यानी कि थल सेना, जल सेना और वायुसेना, नौसेना और वायुसेना के अध्यक्ष यहां मौजूद थे, और उन सभी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इस एयर शो का आगाज किया, इसका इनॉग्रेशन किया, जो न सिर्फ भारत में अब तक का सबसे बड़ा एयर शो है बल्कि पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप में आज तक का सबसे बड़ा एयर शो है। इस मौके पर खुद वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने गुरुकुल फॉर्मेशन का नेतृत्व किया और फाइटर जेट से उड़ान भरी। इसी तरह C-17 ग्लोब मास्टर विमान की अगुवाई में सूर्य किरण की एरोबैटिक्स टीम ने भी अपने फॉर्मेशन से लोगों की खूब तालियां बटोरी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तालियां बजाकर इन वायुवीरों की हौसला अफजाई की। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने कहा कि एयरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते सामर्थ्य का उद्देश्य है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। साथियों, एयरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है।
17 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में करीब 100 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 32 देशों के रक्षा मंत्री, 29 देशों के एयर चीफ, 73 सीईओ शामिल हैं। तो वहीं डिफेंस, स्टार्टअप और एमएसएमई समेत 809 कंपनियां अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन इस एयर शो में कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 5 दिनों तक चलने वाले इस शो के दौरान 75,000 करोड़ के 551 एमओयू साइन किए जा सकते हैं। मेरे पीछे एयरक्राफ्ट खड़े हैं, ये स्टैटिक डिस्प्ले यानी कि स्थिर डिस्प्ले का पार्ट है और ये एयरक्राफ्ट जो है ये प्रशांत महासागर से अमरीकी नौसेना के पार्ट है, अमरीकी नौसेना का हिस्सा है। ये F-18 एयरक्राफ्ट है। लेफ्ट साइड में जो वायु जो जहाज खड़े हैं, जो एयरक्राफ्ट खड़े हैं, वो F-35 है, जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में से एक है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, यानी कि रेडार पर नहीं आते हैं। और ऐसे ही अगर दाई तरफ देखा जाए तो हमारा जो स्वदेशी निर्मित एलसीए तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, वो यहाँ पर पार्क्ड है। उसके बगल में ही रफेल जो अभी हमने फ्रांस से खरीदा है वो मौजूद है, Sukhoi-30 MKI मौजूद है, मिराज 2000 जैगुआर एयरक्राफ्ट, अपाचे हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो भारत में ही निर्मित है, ये सभी यहाँ पर मौजूद है और ये सभी इस एयर शो का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य आने वाले कुछ सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़े को $5 बिलियन तक ले जाने का है। देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट को, उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। एयर शो के बाद प्रधानमंत्री ने लिवर दबाकर इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया। यहीं पर भारत में बने कई एयरक्राफ्ट और नेक्स्ट जेन उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया। खुद प्रधानमंत्री ने इस पेविलियन में रखे हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और भविष्य में बनने वाले विमानों के प्रोटोटाइप से जुड़ी जानकारी अधिकारियों से ली। कर्नाटक 14वीं बार एयर शो की मेजबानी कर रहा है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा एयर शो बताया जा रहा है। आम जनता के लिए इसके द्वार 16 से 17 फरवरी तक खुलेंगे, जिसमें करीब 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। बेंगलुरु से अक्षय डोंगरे और मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एयरो इंडिया 2023 पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब हम आपको कार्यक्रम में इंडिया के पेविलियन भी लिए चलते हैं, जहां हिंदुस्तान की सेनाओं के भविष्य में बनने वाले हथियारों को प्रदर्शित किया गया है। हमने अब इसमें कौन कौन से हथियार शामिल हैं ये सब बता रहे हैं, मेरे सहयोगी अक्षर उंगरे। क्या कुछ खास है भारतीय टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद है इंडियन पवेलियन में, यानी कि वो इलाका जहां पर सभी भारत में बनाई हुई टेक्नोलॉजीज का एक तरह से उसकी शोकेसिंग की गई है, उसको उसके मॉडल बना के रखे गए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ये छोटे छोटे मॉडल प्लेन्स है, स्केल मॉडल्स है, ये सभी स्केल मॉडल्स का बड़े तर्ज पर एक तरह से डेवलपमेंट डिजाइनिंग की जा रही है और देश भर में जितनी भी टेक्नोलॉजिकल जितनी भी हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है, चाहे वो DRDO हो, हाल हो या फिर और भी बाकी जितनी भी डिफेंस इंडस्ट्रीज है, वो सभी इस वक्त ये इस कोशिश में जुटी हुई है कि हमारी जितनी भी रक्षा संबंधित जरूरतें हैं उसको हम पूरा कर सके। ये आप देख रहे हैं जो प्लेन है ये TED-BF है, भारतीय नौसेना के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना है। ये एक ट्विन इंजन सिंगल सीट कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट, यानी कि INS विक्रांत की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर इसे लैंड करा सकते हैं। और ये अगर बात की जाए LCA Mark 1 की, LCA तेजस नेवल वेरिएंट की, तो उसके आगे टेक्नोलॉजिकल नीड्स में ये आगे बढ़ता है। DRDO द्वारा जितनी भी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, आप ये देख सकते हैं ये सभी यहाँ पर शोकेस की गई है। LCA
एयरफोर्स मार्क टू, ये एक एलसीए तेजस का अगला वेरिएंट है, यानी कि उससे भी एडवांस्ड वेरिएंट। ये यहाँ पर एचएएल द्वारा, हिंदुस्तानिक एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। और बाकी आगे अगर आप देखें तो ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो भारत में बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच में अगर बात की जाए सबसे आधुनिक भारतीय विमान की, जिसका डेवलपमेंट अभी किया जा रहा है, तो वो विमान है ये जो यहाँ पर लगाया गया है। इसे कहते हैं एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये एक एयरक्राफ्ट है जो मीडियम वजन का है, ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि पांचवी पीढ़ी का, यानी कि फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो रेडार पर दिखता नहीं है। महज कुछ ही ऐसे देश है जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो ये एयरक्राफ्ट बना पाए, जिनमें से अमरीका है जिसके पास दो ऐसे फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, चीन के पास एक ऐसा ही एयरक्राफ्ट है और रशिया के पास ऐसा एक एयरक्राफ्ट है जो उन्होंने खुद डेवलप किया है। बाकी कई सारे ऐसे देश है जिन्होंने यूएसए के साथ में, अमरीका के साथ में F-35 को डेवलप किया है और अब उनके पास F-35 के अलग अलग वेरियंट्स है। लेकिन भारत में स्वदेशी जो इक्विपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसकी अगर बात की जाए, उस पर अगर ध्यान दिया जाए, तो एमसीए एक बहुत ही ज्यादा, अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उसमें एक बहुत बड़ा लीप है, उसमें एक बहुत बड़ा हम सफर तय करेंगे, बहुत बड़ा मील का पत्थर इसको माना जाएगा जब एमसीए पूरा हो जाएगा। और इसी के चलते कई अन्य चीजें भी भारत में ही आगे डेवलप की जा सकेंगी। तो इंजन से लेकर बॉडी फ्रेम तक सब कुछ उम्मीद यही की जा रही है कि एमसीए हो या फिर अन्य जितने भी एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान है उनका जो डेवलपमेंट चल रहा है वो हो पाएगा। और इसीलिए इस सबको प्रदर्शित करते हुए इस बार का एयर शो शुरू हुआ है और देश दुनिया भर से कई देश जुड़ रहे हैं यहाँ बेंगलुरु में। और सबकी निगाहें इस वक्त भारत की सैन्य शक्ति, भारत की इंडस्ट्रियल शक्ति के ऊपर टिकी हुई है। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ मक्षी डोंगरे, गुड न्यूज टुडे। और इस पवेलियन में अगर सबसे ज्यादा लोगों को का ध्यान किसी विमान ने खींचा है तो वो है ALFT-42। इसकी टेल पर बजरंग बली को दिखाया गया और साथ ही एक मैसेज भी लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। विमान की खूबियां क्या है, देखिए मंजीत नेगी की रिपोर्ट। एचएल एक नए फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर काम कर रही है जिसका नाम ALFT-42 है और खास बात यह है कि इस पर मारुति नंदन हनुमान जी की तस्वीर अंकित है और ये एक ट्विन इंजन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ALFT-52 जिस पर एचएल काम कर रहा है। चलने से पहले एलसीए तेजस इस वक्त भारतीय वायुसेना को दे रहा है और यहाँ पर तेजी के साथ इस पर काम कर रहा है। सभी हथियारों से लैस होगा, दो पायलट पर सवार होंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन ठाकुर हैं, आपसे जानना चाहूंगा क्या खासियत है इस खास फाइटर ट्रेनर की, ALFT-42 लीड इन फाइटर ट्रेनर है जो नई जनरेशन के एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट सारे सिंगल सीटर्स हैं तो उनकी ट्रेनिंग के लिए कोई ट्विन सीटर नहीं है। सो अगर ट्विन सीटर नहीं है तो ट्रेनिंग सारी की सारी सिमुलेटर्स पे होती है, ग्राउंड पे होती है। जहां इंडियन कॉन्टेक्स्ट का सवाल है, हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उनको फील्ड ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आई थिंक एक्चुअल एयरक्राफ्ट जो ट्रेनिंग दे उन्हें फ्लाइट में इज द नीड ऑफ द आवर। सो अलॉन्ग विद हमारे सारे न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट, एमका, एलसीए मार्क टू, टेट बीएएफ एक्सेट्रा, एक ट्रेनर भी चाहिए जो इक्वली कैपेबल है, वो है ALFT-42 एंड वो एचएएल डिजाइन कर रहा है पैरेलली अलॉन्ग विद दीज एयरक्राफ्ट। हम देख रहे हैं इस पर मारुति नंदन हनुमान जी की तस्वीर भी अंकित है। कब तक ये, जैसे आपने बताया कि इस पर ये एडवांस ट्रेनर होगा, सेनाओं के लिए, वायुसेना के लिए इस्तेमाल लाए? डेवलपमेंट इसका बिल्कुल हैंड इन हैंड चलेगा बाकी फाइटर्स के साथ। तो फाइटर्स से पहले या फाइटर से इमीडिएटली अलॉन्ग विद द फाइटर्स दिस शुड गेट इंडक्टेड, क्योंकि ट्रेनिंग तो पहले चाहिए और फिर फाइटर में जाएंगे वो। तो हाई स्पीड डेवलपमेंट हमें करना है, देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ करने हैं, लोड है, डिजाइनर्स मोटिवेटेड हैं, इनफ रिसोर्सेज हैं हमारे देश में, बन सकता है बहुत अच्छी तरह। इसके अलावा भविष्य के खतरों से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है और इसी के तहत भविष्य में भी कई फाइटर जेट्स और यूएवी एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे। इसी को लेकर कैसी चल रही हैं एयरफोर्स की तैयारियां, वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी से इसी सिलसिले में मेरे सहयोगी मनजीत नेगी ने बात की।
हम बात करें फ्यूचर के जो एयरक्राफ्ट हैं, एमका पर काम चल रहा है अभी, एक नया ट्रेनर की भी बात की जा रही है, उस दिशा में फ्यूचर जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं हेलीकॉप्टर, उस पर क्या किस तरह का जोर वायुसेना का रहेगा? जोर तो रहेगा हमारे फिफ्थ जनरेशन और सिक्स जनरेशन टेक्नोलॉजीज पे, ताकि चाहे एमका हो या चाहे मॉडर्न जनरेशन कोई भी मैंड अनमैंड टीमिंग जहाज होगा, तो उसमें जो टेक्नोलॉजीज शामिल होंगे, हम यही चाहते हैं कि ये फिफ्थ टू सिक्स जनरेशन टेक्नोलॉजीज उसमें शामिल हो। और हम बात करें और जो नीस टेक्नोलॉजी है, यूएवीज की बात करें, उस दिशा में कौन से ऐसे फ्यूचर वेपन हैं जिन पर जो आप मेक इन इंडिया या फिर बाहर से टेक्नोलॉजी लाकर यहां पर मेक इन इंडिया के जरिए बनाना चाहते हैं वायुसेना के लिए? आपने ये टर्म सुना होगा मैंड अनमैंड टीमिंग, तो उस पर हमारा काफी जोर है। इसका मतलब यह है कि एक मैंड एयरक्राफ्ट के साथ दो या चार या ज्यादा संख्या में अनमैंड एयरक्राफ्ट यूएवीज उसके साथ जाएंगे मिशन में, तो मैन अनमैन टीमिंग की टेक्नोलॉजी पे हमारा काफी जोर है अभी। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले सालों में हमें कंप्लीटली आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा हथियारों में और एयरक्राफ्ट में भी, तो इसको मद्देनजर रखते हुए जिस दिशा में हम चल रहे हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दशक में लगभग 70% हमारे हथियार मेड इन इंडिया रहेंगे। अच्छी और सच्ची खबरों में अब आपको आस्था और भक्ति का रंग दिखाते हैं, लिए चलते हैं साईं की नगरी जहां लगा है भक्तों का मेला। ये भक्त 14 किलोमीटर की शिरडी परिक्रमा में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने कोने से यहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि साईं भक्तों का ये आंकड़ा करीब 25 से 30 हजार था, जिनके उत्साह और उमंग के रंग में पूरी साईं नगरी रंगी नजर आई। कहीं जयकारों की गूंज है, कहीं ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते भक्त हैं, तो कहीं बांटा जा रहा है प्रसाद। आस्था और भक्ति के इन तमाम रंगों को समेटे हुए ये तस्वीरें आई हैं साईं नगरी शिरडी से, जहां बड़े ही धूमधाम के साथ शिरडी परिक्रमा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल बच्चे बूढ़े और नौजवान साईं भक्त के रंग में रंगे नजर आए। फूलों से सजी साईं बाबा की पवित्र पालकी के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि शिरडी की सड़कें साईं भक्तों से ही पट गई। वहां से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। 14 किलोमीटर की इस परिक्रमा की शुरुआत आज सुबह 6 बजे हुई थी, जो 12 बजे खत्म हो गयी, जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से साईं भक्त शिरडी पहुंचे थे। इस परिक्रमा में मैं पहली बार आई हूं, मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर पा सकती। ये सारे लोगों का जाना आना, सभी का सेवा करना, हर किसी के लिए एक दूसरे के लिए सेवा भाव देख करके मन में एक उत्साह बढ़ रहा है कि हम लोग भी जाएं। इस तरह से हर कोई आकर के देखे कि बाबा का ये परिक्रमा कैसे होता है, किस तरह से होता है। हम तो चाहेंगे कि हर शिरडी वासी को, हर किसी को आना चाहिए शिरडी। हमारा ये महत्व है कि हम बाबा की जैसे पूरी परिक्रमा करेंगे शिरडी की, जैसे बाबा ने की थी, उदी फैला के सारी बीमारियों को दूर भगाया था। हम भी हर जो भी प्रॉब्लम आएगी हम उसको दूर करेंगे। देश और दुनिया में करोड़ों भक्त ऐसे हैं जो साईं बाबा में अपार आस्था रखते हैं। मुरादें पूरी होने पर उन्हें महंगे से महंगा दान देने से भी पीछे नहीं रहते। परिक्रमा के दौरान भी साईं भक्तों के बीच चढ़ावा चढ़ाने की होड़ नजर आई। ये परिक्रमा यात्रा शहर के जिस भी हिस्से से गुजरी, लोगों के सर साईं बाबा के आगे श्रद्धा और भक्ति से झुक गए। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने भी अपने सुंदर और मनोहारी लोक नृत्य से इस परिक्रमा में चार चांद लगा दिए। इतना ही नहीं, परिक्रमा में कई सुंदर झांकियां भी नजर आई, जिनके जरिए श्रद्धा और सबरी का संदेश देने की कोशिश की गई। ऐसे ही आयोजन करते रहे, हम लोग को बाबा के साथ जोड़ते रहे, ये और इससे भव्य परिक्रमा हर साल एक से बढ़कर एक होती रहे। आस्था है,
और शिरडी परिक्रमा करके मन को बड़ी शांति मिलती है और ये महसूस होता है कि बाबा सदैव हमारे साथ हैं। बताया जा रहा है कि कुछ सामाजिक संगठनों ने इस परिक्रमा की शुरुआत 4 साल पहले की थी, लेकिन बीच में कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया, मगर हालात बेहतर होते ही फिर से इस परिक्रमा का भव्य तरीके से आयोजन किया गया, जिसमें करीब 30,000 लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान कई लोग परिक्रमा मार्ग पर इन साईं भक्तों की सेवा करते नजर आए। किसी ने प्यासों को पानी पिलाया तो किसी ने भूखों को खाना खिलाया। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब हम आपको बताते हैं कि इस शिरडी परिक्रमा महोत्सव को मनाने के पीछे साईं भक्तों की मान्यता क्या है और आखिर क्यों इस परिक्रमा का कनेक्शन 100 साल पहले आई एक महामारी से जुड़ा बताया जा रहा है। देखिए मेरे सहयोगी नितिन मिराणे की रिपोर्ट। शिरडी के साईं बाबा ने 100 साल पहले जब महामारी आई थी तब द्वारका में आटा पीसकर शिरडी की जो सीमा है वहां पर आटा डाला था और महामारी को भगाया था, यह मान्यता है। आज आप जो भीड़ देख रहे हैं ये शिरडी महापरिक्रमा है। तकरीबन 25 से 30 हजार श्रद्धालु इस महापरिक्रमा में शामिल हुए हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस परिक्रमा मार्ग पर चलने से अपने दुख दर्द मिटते हैं। आगे बढ़ते हैं, बदलते मौसम का रंग अब आपको दिखाते हैं। खिलखिलाती धूप देखकर अगर आपको लग रहा हो कि गर्म कपड़ों को बंद करके रख देना चाहिए तो जरा ठहर जाइए, मौसम एक बार फिर से यू टर्न ले सकता है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में फिर से सर्द हवाएं चल रही हैं। मैदानी इलाकों में सूरज तो निकल रहा है लेकिन सर्द हवाएं ठंडक का एहसास करा देती हैं। लहजा पारा गिर रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि इसी तरीके का मौसम आने वाले 3 से 4 दिन तक रह सकता है। दिन में खिलखिलाती धूप से ऊनी कपड़े चुभने लगे हैं। फरवरी की धूप में बैठना मुश्किल हो गया है। अभी से सूरज की किरणें तपिश पैदा कर रही हैं, लेकिन साथ में चल रही हैं सर्द हवाएं जो मौसम को ठंडा कर दे रही है। दरअसल बीते 2 दिन से सर्द हवाएं चल रही हैं और इस बदलते मौसम की वजह से एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में इस रंग बदलते मौसम में सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। मतलब ठंड दिखाई नहीं दे रही लेकिन महसूस की जा सकती है, इसलिए जरूरी है कि जाती ठंड से बचकर ही रहा जाए। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 30 तक जा सकता है, जिससे हवाएं और तेज चलेंगी। दरअसल पहाड़ी इलाकों में चल रही हवा की दिशा इशारा कर रही है कि आगे आने वाले दिनों में पहाड़ों की ये हवाएं उत्तरी भारत का पारा गिरा सकती है। बीते 2 दिनों से सर्द हवाओं के पीछे भी पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बर्फबारी ही सबसे बड़ी वजह है। मौसम के लिहाज से आज की सुबह दिल्ली वालों के लिए सरप्राइज लेकर आई। अमूमन लोग मिड फरवरी में सुबह सुबह 8.7 डिग्री का टेम्परेचर एक्सपेक्ट नहीं करते, ये उम्मीद उनको नहीं रहती। ऐसा लगता है उन्हें कि मिड फरवरी के बाद जो तापमान है या फिर फरवरी में ही जो तापमान है वो अब राहत की तरफ यानी कि गर्मियों की तरफ बढ़ने लगता है और मिनिमम तापमान 12 से 13 डिग्री के बीच रहता है। लेकिन आज सुबह दिल्ली एनसीआर का जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 8.7 डिग्री था, जिससे लोगों को थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी। हवाएं लगातार बेहद तेज गति से चल रही हैं और ये हवाएं ही हैं जो लगातार दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ा रही हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक था जिसकी वजह से पहाड़ों पर भी हल्की बर्फबारी हुई और फिर पहाड़ों की तरफ से मैदान की तरफ जो हवाएं इतनी तेज चल रही हैं उन्हीं वजह से पहाड़ों से ठंडी हवा मैदान की तरफ पहुंच रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में रातें हल्की सर्द हैं लेकिन दिन में चटक धूप से हल्की गर्मी है। इसके साथ ही सर्द हवाओं के पहरे ने मौसम को ठंडा बना दिया है और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आंख मिचौली खेलता ये मौसम एक बार फिर से करवट बदल सकता है। 15 फरवरी तक उत्तरी भारत में तेज हवाएं चलने वाली हैं
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सर्द हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी असम और सिक्किम के पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। बदलते मौसम की वजह पश्चिमी विक्षोभ को माना जा रहा है। 14 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है और यही वजह है कि मौसम अटखेलियां करने पर उतर आया है। हालांकि गुड न्यूज ये है कि मौसम की मनमानी 15 फरवरी के बाद थम जाएगी और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज यानी 13 फरवरी को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि अगले 24 घंटे यानी मंगलवार से एक बार फिर से पारा बढ़ने के साथ गर्मी का एहसास हो सकता है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिन ठंडी हवाएं चलेंगी, लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाएगी। इसकी वजह से तापमान में इजाफा भी शुरू हो जाएगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। धूप के साथ सर्द हवाएं अभी कुछ दिनों तक सताने वाली हैं, लेकिन जल्दी ही इससे भी राहत मिलने वाली है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मैदानी इलाकों में चल रही इन सर्द हवाओं के पीछे पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बर्फबारी है। फरवरी के महीने में एक बार फिर से बर्फबारी ने यूटर ले लिया है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में बीते 2 से 3 दिन बर्फबारी हुई है, जिससे वहां अब भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, कश्मीर, हर जगह बर्फ की सफेद चादर ही नजर आएगी। हम आपको उत्तराखंड, हिमाचल की ये 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पेड़, सड़क, घर, हर चीज बर्फ के आकोश में है। बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। बर्फबारी के बाद आसपास की पहाड़ की चोटियों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मंदिर पर सफेद बर्फ की चादर अनोखी छटा बिखेर रही है। दूसरी तस्वीर शिमला की है, जहां एक बार फिर से बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे पर खुशी ला दी है। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी हो रही है, कुछ इसी तरह की तस्वीरें वहां से भी हैं। क्या घर, क्या पेड़, क्या सड़क, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ का ही साम्राज्य है। लाहौल स्पीति में करीब 2.5 फीट बर्फबारी हुई है। मनाली की तस्वीरें, आसमान से लगातार हो रही बर्फ की बरसात ने सब कुछ एकसार कर दिया है। बर्फीले पहाड़ चप्पे चप्पे पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। पेड़ों पर बर्फ का बसेरा है, तो पत्तों से लेकर पहाड़ों ने भी सफेदी की चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी की ऐसी ही तस्वीरें जम्मू से लेकर उत्तराखंड की पहाड़ियों से भी आ रही हैं। फरवरी के महीने में पहाड़ों में जनवरी जैसा एहसास हो रहा है। ताजा बर्फबारी की तस्वीरें मनाली की हैं। हर तरफ केवल सफेद बर्फ की चादर है और आसमान से गिरती बर्फ वहां मौजूद सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और पर्यटक हिमाचल में हो रही इस बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं। यह हाल केवल एक जगह का नहीं, ज्यादातर पहाड़ी इलाकों का यही नजारा है। लगातार बर्फबारी ने पहाड़ों पर सभी जगह एक जैसा नजारा कर दिया है। ठिठुरन भरी सर्दी का महीना जनवरी भले ही बीत गया हो, लेकिन पहाड़ों पर फरवरी के महीने में एक बार फिर से जनवरी जैसा दृश्य नजर आ रहा है। कुदरत ने ऐसा यूटर्न लिया है कि पहाड़ों पर हालात बदल गए हैं। फरवरी में ऐसे हालात देखने की उम्मीद कम ही की जाती है, लेकिन इस साल सैलानियों पर ये सर्दी मेहरबान है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में अभी कुछ दिनों तक इसी तरीके से बर्फबारी और बारिश हो सकती है। एक और WD का उम्मीद कर रहे हैं, वो भी बहुत फीबल WD है। मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा सा इफेक्ट करेगा। आज सॉरी 14 तारीख के रात से वो इफेक्ट करेगा। तो 14 तारीख का सुबह, 15 तारीख का सुबह तक हम बहुत आइसोलेटेड रेन, और 16 तारीख को थोड़ा ज्यादा बारिश और बर्फबारी, मगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं इफेक्ट रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी से यहाँ आए सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। वहीं स्थानीय कारोबारियों के लिए वहाँ पहुँच रहे पर्यटक उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। सबसे पहले आपको हिमाचल के लाहौल स्पीति की तस्वीरें दिखाते हैं। आसमान से बर्फ के फाहे कुछ यूं गिरे कि पूरा समा ही बर्फ की सफेद चादर में ढक गया। पार्किंग में खड़ी कारों की पहचान भी मुश्किल है, बर्फ से सभी कारें ढक चुकी हैं।
लाहौल के रुशैल इलाके में देखिए किस तरह के हालात है। पहाड़ की गोद में बसा ये गांव बर्फिस्तान बन चुका है। हिमाचल का मनाली भी एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। बीते कुछ दिनों से मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में बारिश जारी है। बारिश और बर्फबारी से मैदानी इलाकों के तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। मनाली में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। प्रदेश में जो मिड हिल्स और हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल के साथ साथ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल स्पीति किन्नौर है यहाँ पे स्नोफॉल भी रिपोर्ट की गई है। तो अभी भी जो हमारे मिड हिल्स और हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे कुछ एक स्थानों में बारिश के साथ साथ और जो हाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति और किन्नौर और कुल्लू यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना अभी भी 24 घंटों में है। उत्तराखंड का बद्रीनाथ भी इन दिनों पूरी तरह से सफेद चादर से ढका हुआ है। बद्री विशाल के कपाट फिलहाल बंद हैं, लेकिन वहां का नजारा अभी भी अद्भुत है। क्या होटल, क्या दुकानें, क्या पुल और क्या आश्रम, सब कुछ कुदरत की सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली की इन तस्वीरों को देख स्वर्ग का एहसास हो रहा है। जिधर देखिए बस एक ही रंग आपको नजर आएगा, पूरा इलाका जैसे सफेद रंग से रंग चुका है। दूर दूर तक नजर दौड़ाइए, आपको सफेद बर्फ के अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा, मानो जनवरी या दिसंबर का महीना हो। फरवरी के महीने में इस तरह चांदी से चमकती बर्फ का एहसास आपको इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो। मौसम के इस यूटर्न ने जहां पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ा दी है तो वहीं पहाड़ी इलाकों से आ रही सर्द हवाएं मैदानी इलाकों में कड़ाके की धूप में ठंड का एहसास करा रही हैं। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात मध्य प्रदेश के इंदौर में G20 देशों के कृषि कार्य समूह की बैठक की। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है, लिहाजा देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों G20 डेलीगेट्स की बैठकें चल रही हैं और इसी कड़ी में आज से इंदौर में G20 समिट की बैठक हो रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए 20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि मेहमान और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि इंदौर में मौजूद हैं। G20 देशों के कृषि कार्य समूह की इस बैठक से पहले प्रतिनिधि हेरिटेज वॉक पर निकले। इस दौरान उन्होंने इंदौर के मशहूर राजवाड़ा में पोहा जलेबी का जायका लिया। हालांकि वहां नाश्ते में खाने की दूसरी चीजों का इंतजाम भी था, जिनमें चॉकलेट, कुकीज, वेफर्स, बिस्किट समेत कई व्यंजनों का इंतजाम किया गया था, लेकिन फिर भी विदेशी मेहमानों ने इंदौर के सबसे मशहूर नाश्ते यानी पोहा जलेबी का ही सेवन किया। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।